देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिसेस P इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स P है जिसके एंट्रीज ये है 0 C माइनस B माइनस C 0 A B माइनस A और 0। अब दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास Q इज इक्वल टू A स्क्वायर A B A C A B B स्क्वायर B C A C B C और C स्क्वायर। अब हमारे पास तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, PQ इज ए नल मैट्रिक्स, QP इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, PQ इज इक्वल टू QP। अब ये पैरामीटर्स में अगर हम सारे स्टेटमेंट को सॉल्व करने लगेंगे तो टाइम टेकिंग होगा, स्पेस भी मेरे पास बहुत कम है तो नहीं हो पाएगा। देखो तो आसान बना लेते हैं सर, आप क्या करो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 1 कर लो, ठीक है, और C को भी 1 ही कर लेते हैं, ठीक है, सब 1, A B C सारे 1। अब P बना लो, आपके पास देखो क्या आ गया 0 1 माइनस 1। आप चाहो तो और आसान बनाने के लिए किसी एक को जीरो भी मान सकते थे, 0 1 1 माइनस 1 0, ठीक। और क्यू हमारे पास क्या रिड्यूस होकर आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब आप देखो क्या कह रहा है, पी क्यू इज ए नल मैट्रिक्स, पी और प्री मल्टीप्लीकेशन है, इससे इससे करेंगे तो ये क्या दे देगा पी क्यू, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो दे देगा, फिर ये क्या देगा 0 0, ठीक, इसे कहिए ये भी 0 0 0 दे देगा और ये 0 0 0। जानते हो नल मैट्रिक्स के सारे एंट्रीज जीरो होते हैं, तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपका क्या है करेक्ट है, ठीक। स्टेटमेंट नंबर 2, क्यूपी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्यूपी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। देखो हमारे पास फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ रहा है 0, आइडेंटिटी में आप जानते हो डायगोनल एलिमेंट 1 1 होता है, इसका मतलब ये पहला ही 0 आ गया, इसका मतलब ये नहीं होगा, तो स्टेटमेंट 2 आपके पास क्या आ गया गलत आ गया, ठीक है। PQ इज इक्वल टू QP, PQ इज इक्वल टू QP, QP निकाल लेते हैं, ये 0 दे दिया, ठीक है, फिर इसके बाद ये भी 0 दे देगा और फिर इसके बाद ये भी 0, ठीक है, अब सब 0 0, जब एक एंट्री 0 दे दिया क्योंकि सारे एंट्री सेम है तो 0 0 0, PQ इज इक्वल टू QP मतलब सही है ये बात, तो स्टेटमेंट नंबर 3 आपका क्या है करेक्ट है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस कदर इसको सॉल्व करना था, देखो वेरिएबल को मैंने एक आसान सा वैल्यू एज्यूम कर लिया और हम अपने टाइम और मिस कैलकुलेशन से अपने आप को बचा लिया।